तो देख सकते हो गाइस, मैं इस क्लैश स्क्वाड के बॉक्स से बाहर हूँ और मैं यहाँ पे गन यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं अभी भी टाइमिंग चालू और मैं इसके बाहर हूँ। तो इसका यूज़ आपको कैसे करना है, कैसे होगा, तो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं अभी मैं बाहर हूँ, उसके मुझे फ़ायदा होगा कि मैं सामने वाले इनमी को मार सकता हूँ, क्योंकि उससे पहले जब तक वो उनका ओपन होगा मैं उसके पास पहुँच जाऊँगा। तो देख सकते हैं अभी मैंने जैसे ग्रेनेड फेंका, यहाँ पर हो गया डाउन। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने गेम प्ले में। तो ये कैसे होगा तो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। Ladies and gentlemen, हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके भाई के चैनल गेम नॉलेज में। तो इस वीडियो का हम तो आपको शुरुआत में हमने बता दिया है कि आपको ये बॉक्स के बाहर कैसा निकलना है। तो देख सकते हैं जब भी आप क्लैश स्क्वाड मैच या रैंक मैच खेलते हैं या नॉर्मल भी खेलते हैं, तो आपका स्टार्टिंग एक बॉक्स के अंदर होता है जिसमें आपको 12 सेकेंड रुकना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप निकल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बनाऊंगा, एक ऐसा टिप्स बताऊंगा कि आप उसके बाहर निकल जाएंगे और इसका फ़ायदा आपको क्या होगा, इसके शुरुआत में आपके वीडियो में तो मैंने आपको दिखा दिया, आप अपने सामने वाले एनिमीज़ को मार सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ इसका क्या है। तो आपको सबसे पहले किसी को एक्सपेक्टिंग करना होगा दोस्तों, मतलब आपको इसमें अपना मरना होगा। आप अगर एक बार डाउन होंगे तो जैसे कि मैं अभी डाउन हो गया, मरने के लिए रेडी हो गया, तो भाई मुझे कोई जल्दी मारो भाई, अभी देखो हम 3 जन हैं, तुम 4 जन हो भाई, कोई तो मार दो। तो इंतज़ार कर रहा हूँ और यहाँ पर उन्होंने मुझे नहीं मारा, यहाँ पर मारा, विक्ट्री हो गया। तो ये मेरा रोने वाला सीन हो गया था दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको इसके वीडियो नहीं बन पाया, क्योंकि अगर आपने किसका एक्सपेक्टिंग नहीं किया होगा तो आपको मैं दिखा देता हूँ क्या होगा। अगर आपने किसका एक्सपेक्टिंग नहीं कर पाएगा, एक्सपेक्टिंग मतलब अगर आपने किसी दूसरे अपने फ्रेंड का या फ्रेंड का नहीं देख पाया होगा कि वो कैसा गेम प्ले कर रहा है, जब आप मर जाते तो देखते हैं दूसरे प्लेयर कैसा खेल रहा है, तो जैसे कि अभी मेरा हुआ नहीं, तो आप फिर से उसी बॉक्स में आ जाओगे। तो यही सबसे बड़ी गलती है आपका, मेन है कि आपको यहाँ पर एक्सपेक्टिंग होना चाहिए। तो हम इस बार फिर से ट्राई करेंगे जिसमें आपको अपने फ्रेंड को एक्सपेक्टिंग करना मिलना चाहिए, तब भी आपका यही ट्रिक यूज़ होगा। ये ट्रिक एकदम बेस्ट है, आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। तो देख सकते हैं मैं मरने के लिए रेडी हूँ, कोई मुझे मारने के लिए भी रेडी नहीं है। आप देखते हैं हमें कोई मारता है, भाई मारो भाई, मेरे को मार भाई, मार मार मार, अरे भाई मार दिया, देखो अभी जल्दी मार दे भाई, मेरे को एक्सपेक्टिंग करना है। तो देख सकते हैं अपना भाई इधर, आपका भाई मर गया। तो आप जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड का एक्सपेक्टिंग कर रहा था, अगर आप इसमें डिफेक्ट होते, बुआई होते, दोनों से कुछ लेना देना नहीं है, आपको कुछ भी होना है पर आपके दोस्त को एक्सपेक्टिंग करना ज़रूरी है। जैसे कि एक्सपेक्टिंग कर रहा हूँ और मेरा फ्रेंड यहाँ पर हार गया, तो आपको यहाँ पर करना है बीच का बटन दबा के 5 सेकेंड के लिए आपको मोबाइल का इंतज़ार करना है गेम प्ले के लिए। देख सकते हैं अभी जैसे मैं स्टॉप होकर गेम प्ले का इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर आपको 5 सेकेंड के बाद इसको ओपन कर लेना है और ओपन होते ही आपका यहाँ पे होगा चमत्कार। देख सकते हैं अभी हम इस लॉबी के बाहर है जो क्लैश स्क्वाड का रेड लॉबी होता है। तो देख सकते हैं आपको मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं मैं लॉबी के बाहर हूँ और इसका आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपने इनमी के सबसे नज़दीक जल्दी से जल्दी पहुँच के उसको सरप्राइज़ दे सकते हो। सरप्राइज़ होकर आपको सोचेगा अरे भाई इतना जल्दी कैसे पहुँचा, ये हैकर तो नहीं। और दोस्तों देख सकते हैं अभी हम पहले लॉबी में बाहर निकल गए थे और यही है क्लैश स्क्वाड का टिप्स एंड ट्रिक्स। आप ज़रूर एक बार ट्राई करना और मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँगा अगर आपको अच्छे से समझाने होगा। और दोस्तों इसका आपको कैसे करना है तो आपको फिर से एक बार बता दूंगा। और दोस्तों इससे आपका ना ही अकाउंट बैन होगा, ये सबसे बड़ा डाउट रहेगा कि मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा अगर मैं ये ट्रिक्स ट्रिक्स यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों इससे आपका अकाउंट बैन नहीं होगा, ये क्लैश स्क्वाड का एक बग है जो फ्री फायर ने अभी तक ठीक नहीं किया है। तो ये बग यही है कि आपको गेम प्ले के बीच में जैसे आप एक्सपेक्टिंग चालू करते हैं तो आपको 5 सेकेंड के लिए, अगर आप बुआई होते या डिफेक्ट होते, आपका आखिरी प्लेयर जब मर जाता है तो आपको गेम से थोड़ा बैक हो जाना, होम बटन दबा देना है और फिर आपको 5 या 10 सेकेंड के बाद ओपन कर देना है। तो जैसे आपका ओपन होगा तो आप उस क्लैश स्क्वाड के लॉबी के बाहर हो जाएंगे। तो देख सकते हैं अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे कोई मारे, तो अपना भाई अपना इनमी ने मार दिया और यहाँ पे मैं एक्सपेक्टिंग करना चालू कर दिया। देख सकते हैं मैं अपने फ्रेंड को एक्सपेक्टिंग कर रहा हूँ, मतलब इसको अभी देख रहा हूँ ये कैसा गेम प्ले खेल रहा है। तो भाई अब ये जीते या हारे इससे कुछ लेना देना नहीं, इसे आपको एक्सपेक्टिंग करना है तभी ये ट्रिक्स लागू होगा। तो देखते हैं हमको ये जीता पाएगा कि हमको हराएगा, तो आप क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। अब वीडियो अच्छा लगे तो अपने भाई को लाइक जरूर देना। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिफेक्ट फिर से मैं हो गया, तो मैंने जल्दी से आपको बैक बटन होम बटन दबा देना है या बैक कर देना है, जिससे आपको जल्दी से करना है। अगर आपने लेट कर दिया तो आपका इवेंट फिर से नहीं हो पाएगा ये ट्रिक। तो देख सकते हैं फिर आपको ओपन करना है, यहाँ पर फिर से आप
लॉबी के बाहर हो जाएंगे। इसका आपको फ़ायदा होगा कि आप क्लैश स्क्वाड में ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीतेंगे और ये एक प्रकार का हैक होगा अगर आपके हिसाब से, लेकिन ये हैक नहीं है दोस्तों, ये एक ट्रिक है और इसमें बग है। देख सकते हैं अभी सबका लॉबी के अंदर ही है पर मैं लॉबी के बाहर हूँ और इसका यूज़ कर सकता हूँ अपने इनमीज़ को किल करने में जल्दी से जल्दी, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। आप जल्दी से जल्दी अपने इनमी के नज़दीक पहुँचेंगे, आपके पास ग्रेनेड होगा तो सबसे बेस्ट ट्रिक होगा ये। तो ये कैसे आपको ट्रिक लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने भाई को लाइक दे कर देना, और चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, अब बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना जिससे अपकमिंग वीडियो एक भी मिस आउट ना हो। तो ये ट्रिक कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट में बताना, और ऐसे ही मैं क्लैश स्क्वाड के टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल पर डालता रहता हूँ, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो देख सकते ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो ऐसा ही आपको करना है, आपको अपने दोस्त को एक्सपेक्टिंग करना है और गेम के बाहर, जैसे आपका दोस्त डिफेट होता है बुआई करता है तो आपको गेम के बाहर हो जाना है 5 सेकंड के लिए, फिर गेम के अंदर आ जाना है। देख सकते हैं अभी हमारा डिफेक्ट हुआ था, फिर मैं ट्राई करूंगा तो इसके अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने किसी अपने दोस्त को एक्सपेक्टिंग किया ही नहीं था। तो यही गलती आपको नहीं करना है ट्रिक्स में। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।